पूज्य श्री तनसिंहा जी के जन्म शताब्दी के इस समारोह में भारत के कोने कोने से पधारे मेरे सभी भाई बंधुओं को, मेरी माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं इस कार्यक्रम में पहली बार आया हूं। पहली बार में मुझे आज ये एहसास हो रहा है कि मेरा भारत देश आज सुरक्षित है। जैसे तनसिंह जी का एक सपना था कि मेरा जो क्षत्रिय है वो देश धर्म समाज की रक्षा के लिए आगे बढ़ता रहे। आज इतनी बड़ी संख्या में यहां पर क्षत्रियों का जो जन सैलाब यहां पर उपस्थित है, आने वाले समय में भारत देश की रक्षा के लिए यही क्षत्रिय आगे बढ़ चढ़कर कार्य करेगा। इतिहास गवाह है, जब जब देश धर्म समाज पर संकट आया यही क्षत्रियों ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया, दुश्मनों के सर लेने का भी कार्य किया और देश धर्म समाज के लिए सर देने का भी कार्य किया। आज मैं इस मंच के माध्यम से सभी भाई बंधुओं से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हर घर से क्षत्रिय युवा संघ का एक कार्यकर्ता होना चाहिए। आने वाले समय में भारत देश के हर कोने से क्षत्रिय युवा संघ के एक सैलाब निकलने की आज आवश्यकता है। मैं इस मंच के माध्यम से जो मंच पर उपस्थित यह संस्था निर्माण कर जो हमारे तनसिंह जी ने जो यह मंच दिया है, इस मंच को जो लेकर आगे चलने का जो कार्य कर रहे हैं, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं और सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा। तनसिंह जी का एक सपना था कि मेरा क्षत्रिय आगे बढ़े, मजबूत रहे, तो इस मंच के माध्यम से मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक समय पहले हमारे क्षत्रियों के पूर्वकों ने, अकबर हो या औरंगजेब हो, उन सब से लोहा लिया, उन सब को जवाब दिया। आने वाला समय भी उसी प्रकार का रहेगा तो हमें हमारी समाज की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपने आप को मजबूत रखने की आवश्यकता है। बोलो भारत माता की जय, श्री राम। जन्म